तस्वीर में खड़े ये चार आरोपी वही हैं जो ये पूरा गिरोह चला रहे थे। इस तस्वीर में देखिए एक बुजुर्ग भी हैं जिसका नाम जाबिर है, उसके बगल में दिख रहा शख्स आमिर है और उसके साथ खड़े दो लोग नादिर और वहाब उसके भाई हैं। आप इनकी भोली शक्ल देखिए, लेकिन उससे पहले इस भोली शक्ल के पीछे हवानियत भी जान लीजिए। ये गिरोह पहले सोशल मीडिया के जरिए हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उसके बाद उससे संबंध बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। इतने से ही इनका मन नहीं भरता तो उसके बाद उस युवती को घुमाने के बहाने ले जाकर मुंबई में बेच देता है। दरअसल राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण का मामला एक बार फिर गरमाया है, लेकिन इस बार धर्मांतरण के साथ युवती को बेचने का भी मामला सामने आया है। ये मामला है लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से जुड़ा हुआ। इस इलाके में रह रहा युवक आमिर अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर युवतियों की खरीद फरोख्त का गिरोह चला रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब ये गिरोह पुलिस के हाथ लगा। आमिर नामक युवक ने रहीमाबाद की रहने वाली एक हिंदू युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसको घुमाने के बहाने बाहर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद आरोपी युवक ने युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब युवती इसका विरोध करने लगी तो उसको इस गिरोह ने बेचने का प्लान तैयार कर लिया, लेकिन पुलिस ने इस गिरोह को गिरफ्तार करके युवती को बचा लिया। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने लगभग 125 पुलिस कर्मियों को इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए लगाया था। इस ऑपरेशन में युवती को सकुशल बरामद तो किया ही गया, बल्कि इस गिरोह के चार लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 तारीख की रात में 11 बजे के लगभग यूपी 112 के ROIP से एक सूचना मिली कि एक लड़की का फोन आया है जो ये बता रही है कि वो खतरे में है और उसे कुछ लोग अगवा करके ले जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल मैंने पश्चिमी जोन के थानों को सारे को सक्रिय किया, अपने एडिशनल SP ACP सबको लगा दिया और उसका लोकेशन ट्रेस किया गया जो नंबर से फोन आया था। तो ये पता चला कि वो दुबग्गा से होकर के रहमानखेड़ा की तरफ जो जा रही है। लड़की से भी बातचीत उसका बीच बीच में कभी फोन आता था, तो ये पता चला कि दुबग्गा से काकोरी मलिहाबाद की तरफ जा रही है गाड़ी। तो रहमानखेड़ा की तरफ हमारी सारी फोर्स जो है चूँकि चप्पे चप्पे पर लग गई, जब बदमाशों ने देखा कि नहीं उधर जा पा रहे हैं तो गाड़ी फिर बैठ करके ले आए ऐशबाग की तरफ। तो फिर वजीरगंज थाने को ही बताया गया और यहाँ जब घेराबंदी की गई तो ये ट्रेन से बैठ करके और भागने लगे मुंबई वाली ट्रेन से। तत्काल जो है थाना बंथरा GRP को संपर्क किया गया और हरौनी के पास उनको जो है बरामद कर लिया गया लड़की को, और जो लड़का था उसके साथ जो लोग थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। आइए जो हम लोग को जानकारी मिली है इसमें ये है कि 2 साल से ये लड़की और लड़के के बीच में संबंध था। अब ये प्रेम प्रसंग के रूप में जो है ये चल रहा था और उसके बाद ये इसको बॉम्बे ले जा रहे थे क्योंकि बॉम्बे में भी इनके कुछ लोग हैं जो लड़के के हैं। तो उस संबंध में हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि जो बॉम्बे में इनके लोग हैं वो कौन लोग हैं और वहाँ पर किस क्यों जा रहे थे, किस तरह से जा रहे थे, लड़की के ऊपर जो है क्या प्रेशर था, लड़की ने अपना बयान दिया भी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम आमिर जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, आमिर के सहयोगी नादिल अली जिसकी उम्र 25 साल है, तीसरा आरोपी जाबिर अली जिसकी उम्र 65 साल है, चौथा आरोपी वहाब है जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।